महाराज 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 रुकिए राम महाराज महाराज निषाद राज, हमारे ग्राम की ओर नासरी रथ आ रहा है, अवश्य ही अयोध्या से आ रहा है। चलो देखते हैं। राजसी है परंतु इसमें कुछ सन्यासी दिखाई दे रहे हैं। आइए महामंत्री सुमन। सन्यासी के वस्त्र में? हाँ निषाद राज, मैंने स्वयं के लिए 14 वर्षों तक यही वेशभूषा चुन ली है और मेरे साथ मेरी अर्धांगिनी जानकी एवं मनुज लक्ष्मण ने भी। श्री राम, परंतु हे श्री राम, आज तो आपका अयोध्या में अभिषेक होने वाला था। हाँ निषाद राज, अयोध्या में अभिषेक तो हो रहा है, किंतु मेरा नहीं, मेरे प्रिय अनुज भरत का। यह कैसे संभव है? जनता के प्रतिनिधि आपको युवराज चुन चुके हैं, वहां मैं भी उपस्थित था। परंतु हे श्री राम, यदि हमारे निर्णय की अवहेलना हुई तो हम सब विद्रोह कर देंगे। निषाद राज, रघुकुल के नरेशों की एक महान परंपरा है और वो नरेश महान होने का कारण स्वयं अयोध्या की प्रजा है। जिस प्रकार एक घने वृक्ष की छाया भी उतनी ही घनी होती है, उसी प्रकार जिस देश की प्रजा महान होती है उसी देश का राजा भी महान होता है। निषाद राज, आपको तो अपने नरेश पर गर्व होना चाहिए कि वो रघुकुल की वचन परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। हे श्री राम, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, परंतु मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। आप सबको इस वेश में देखकर मैं तो यह भी भूल गया कि आप इतनी दूर से चले आ रहे हैं। आपको विश्राम की आवश्यकता है। आपको अपने ग्राम में देखकर हम धन्य हुए। आइए आइए श्री राम, आप हमारी कुटिया में विश्राम कीजिए। आइए